नमस्कार मेरे प्रिय कुंभ राशि वाले मित्रों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आने वाले 3 महीने यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2015 में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के पूर्णमान। जैसा कि मैं आपकी कुंडली देख सकता हूं, ऐसा लग रहा है कि इन 3 महीनों में आपके द्वारा किए गए फैसले और निर्णयों की श्रृंखला आपकी सफलता की यात्रा को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। फिर भी मेरा ये कहना जरूरी है कि ये राह इतनी ज्यादा सीधी या इतनी ज्यादा सरल नहीं है, क्योंकि आपको समय समय पर कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये बाधाएं एक तरह से आपके लिए इम्तिहान है कि जो आप पाना चाह रहे हैं आप उसके योग्य हैं या नहीं। नहीं इसका मतलब यह है कि आपस जो है उसी में आप सुखी रहें, उसी में आप लाइफ को एंजॉय करें। इस दौरान आप काफी तनाव में भी आ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो होंगी आपकी प्रोफेशन की, आपके काम की, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की जिम्मेवारियां, और दूसरी तरफ होंगी सामाजिक जिम्मेदारियां। तो आपको एक अच्छे से बैलेंस करके चलना होगा। दूसरे, घटनाक्रम बड़ा ही धीरे हो सकता है, जिंदगी ऐसे लगेगा जैसे रुक सी गई है, पर इससे आप विचलित ना हो। आप अपने लक्ष्यों पे ध्यान अपना केंद्रित करें, जो आप कर रहे हैं उसको बड़े सुंदर तरीके से करें, अगर आप जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहते हैं। आपके मन में जो गोल्स हैं यानी कि जो टारगेट्स हैं या ध्येय हैं, वो बहुत पक्के हों, बहुत स्पष्ट हों, और आप बिल्कुल उन्हीं की दिशा में आगे बढ़ें। इससे आपका भटकनापन या विचलित होना ये कम हो सकता है। तो ये सुनिश्चित करें कि आपका ध्यान क्या अच्छा हो सकता है उस पे रहें, ना कि क्या नहीं हो सकता या क्या नकारात्मक हो सकता है उसके बारे में चिंता करें। सबसे पहले अपने आप पे और अपने हितों पे ध्यान दें। अगर ये कर पाएंगे तभी आप अपने प्रियजनों का ध्यान रख सकेंगे, वरना अगर आप सक्षम नहीं होंगे तो आप दूसरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो फिलहाल ये था आपकी राशि के लिए मेरा एक पूर्णमान। अगर आपको अपने बारे में और कुछ सलाह करनी है, विचार विमर्श करना है, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारी दोनों वेबसाइट्स देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, फायदेमंद लगा, तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर, खुश और सुखी जीवन की कामना करता हूँ।